फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहित। और भैया, जैसा कि आप सभी जानते हो कि 3 साल से कोविड चला हुआ था और मेले फेयर वगैरह टोटली ही बंद थे, तो अभी फाइनली 3 साल के बाद अभी मेले चालू हो चुके हैं। और आज मैं अपने घर में ही हूँ, मैं अभी घर में ही खड़ा हूँ और अपने घर का ही मेला है। तो अभी मैं आपको आज दिखाऊँगा यहाँ पे, यानी अपने यहाँ पे ज़्यादा वो तो दुकानें वगैरह लगती नहीं है इतनी, बट ज़्यादा दंगल यानी कुश्ती के लिए फेमस है यहाँ के मेले। और ये अपनी छुटकन गैंग, जिनको आप पहले भी देख चुके होंगे व्लॉग में, तो महक, मिस्टी और अक्षु है ये। क्या क्या लेके आए हो मेले से आप लोग? टैडी। और तूने लेजर लाइट लिया, तो सभी एंजॉय कर रहे हैं मेले को। तो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ का जो भी है। और बाकी मेन दंगल होता है और काफ़ी नामी पहलवान आज यहाँ पे आए हुए हैं, तो वहीं लेके चलता हूँ और फिर चलो चलते हैं मेले में। एक लाख रुपए की मांगी है इनाम, 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा पहलवानों को। भूपिंदर, अजनाला, बरसी, गोगा, जॉर्जिया, कृपया खाने में आए।
मेरा कमेटी प्रधान अरविंद शर्मा जी से निवेदन है कि आज के मुख्य अतिथि रमेश परवान जी को फाइनल कुश्ती के लिए अखाड़े में लाएं। जो भी साथ में कुलवास जी, वीरेंद्र जी, वरिंदर जी, जॉर्जिया भूपिंदर, अजनाला, थोड़ा सा आवाज दे करके, थोड़ा सा तालियां बजा करके इन जो पहलवानों का है जो हौसला बढ़ाई, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, जोरदार तालियों से स्वागत। इस कुश्ती के दो एम्पायर हैं गुरचरण जी और अर्जुन जी, मुस्तैद दोनों। विदेशी पहलवान स्वदेशी पहलवान को दबाता हुआ, भारतीय पहलवान की गर्दन को नापता हुआ, बाजुओं की ताकत को भी दोनों देख रहे हैं कि किसके बाजू में कितनी ताकत है। दांव पे इसको समय पर पता चलेगा। पंजाबी पहलवान ने जॉर्जिया को नीचे ले लिया, भूपिंदर जी उसको दबाते हुए पहलवान बाहर चले गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा दंगल करवाया गया। इसमें गांव हमारे शमीरपुर गांव ने भरपूर साथ दिया, दिल खोल कर पैसा दिया। हमारे बाहर से जो हमारे बाहर से कांगड़ा से जो हमें दान दिया गया, बहुत अच्छा है दान दिया उन्होंने। किसी ने 21,000 रुपया, किसी ने 2,100 रुपया, किसी ने 11,000 रुपया। तो इस पैसे इकट्ठे होने से ही हम इस ये दंगल करवा पाए। धन्यवाद। स्टेज के ऊपर बैठे हुए जो लोग खड़े हो गए हैं, थोड़ा साइड में हो जाएं क्योंकि पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये आगे होकर के देख रहे हैं, थोड़ा पीछे रहे। पहलवान खेल की तरह खेल करें, किसी भी तरह का कोई ऐसा ये ना हो, खेल को खेल की भावना से खेला जाए और दिखाया जाए।
नवमी को शमीरपुर कालका मंदिर में भंडारा और जगराते का आयोजन किया जा रहा है। कृपया वहां पे पधार कर जगराते का आनंद उठाएं, भंडारा ग्रहण करें। नवमी को हेलो मेरा सरदार जोगिंदर जी से अनुरोध है। अंदर अखाड़े में बीच में कर दो, आगे अखाड़े नहीं है, रहने दो ही। ओके लड़ने दो, अगर इनकी मर्जी है बाहर नहीं आने देना, इससे बाहर नहीं। अगर बाहर आएंगे तो कुश्ती मान्य नहीं होगी, इससे बाहर आएंगे तो कुश्ती मान्य नहीं होगी। कुश्ती पूरी नहीं हुई है, कृपया भूपिंदर जी अखाड़े में आए, कुश्ती चालू की जाए, कुश्ती चालू रखे। अगर कोई खिलाड़ी अखाड़े से बाहर निकलेगा, भाग के जाएगा, तो हम एक पैसा भी नहीं देंगे, हम एक पैसा नहीं देंगे, वन साइड कुश्ती दे देंगे। अगर कोई छोड़ के जाता है तो फिर दूसरे में से करवानी पड़ेगी। कृपया लाइट न मारे पहलवानों के ऊपर, दर्शकों से निवेदन है कि जो फ्लैश मार रहे हैं ये फ्लैश न मारे।
चौकी पहलवान खेल रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने यहाँ का मेला दिखा दिया और अपने बात साधा रुपेश भाई और काफ़ी अच्छा दंगल गया यहाँ का, जो कि गोगा ईरानी और भूपिंदर अजनाला जो कि पंजाब के थे और गोगा जो है वो ईरान के हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त हुई और आपने भी इंजॉय किया होगा आई होप। तो फिर लेता हूँ अभी आपसे विदा और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे न्यू ब्लॉग लेकर आता रहूँ। तो बाय बाय एंड टेक केयर।